बैंक्स बोर्ड ब्यूरो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स करके बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को कन्वर्ट किया है इंटू फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो तो अचानक बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो में ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी एक्चुअली लास्ट ईयर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल मैनेजर मिस्टर रवि ने एक केस फाइल की थी उन्होंने ये कंप्लेन किया था कि उनसे जो जूनियर हैं वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं बाय द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो फॉर द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी और ऐसा दो बार हुआ है 2020 में और 2021 में केस फाइल होने के बाद लास्ट ईयर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है ये स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की जनरल मैनेजर्स और डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए एक कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्कुलर्स दिए गए हैं जिसने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को ये इतने पावर्स दिए हैं कि वो डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर्स को सिलेक्ट कर सके ये लीगली वैलिड भी नहीं है कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि जिन जनरल मैनेजर और डायरेक्टर्स को इस तरीके से सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट दी गई है उन्हें अपनी पोजीशन को विकेट भी करना हो सकता है तो कोर्ट के इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया गया है रिसेंटली 12 से भी ज्यादा न्यूली अपॉइंटेड जो डायरेक्टर्स थे उन्हें अपनी पोजीशन को विकेट करना पड़ा अब समझते हैं क्या है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एक ऑटोनमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनमस बॉडी यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंट होती है और अपनी लॉज को खुद रेगुलेट करती है इनमें गवर्नमेंट डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं करती 2016 में बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को स्टार्ट किया गया था बाय अमेंडिंग द नेशनलाइज बैंक्स मैनेजमेंट एंड Miscellaneous प्रोविजन स्कीम 1980। इस बॉडी का काम था पब्लिक सेक्टर बैंक्स पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज इनकी जो बोर्ड है बोर्ड की जो मैनेजर और डायरेक्टर्स हैं इन्हें सर्च करना इनकी पोजीशंस के लिए सर्च करना और सिलेक्ट करना इसके अलावा इन इंस्टीट्यूशंस की कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना बाय रेकमेंडिंग मेजर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड मेंबर्स के सिलेक्शन में पहले कई सारी इश्यूज़ थी फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इनकॉम्पिटेंस मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेना तो इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पीजे नायक कमेटी ने रेकमेंड किया था कि एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए और ये गवर्नेंस की को रिफॉर्म करेगा इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसी को मंदिर नजर रखते हुए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को एस्टैब्लिश किया गया इन 2016 और इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2016 थाउजेंड ओनली एज एन ऑटोनमस रिकमेंडेटरी बॉडी पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी फिर से इसमें भी इश्यूज आने लगे हैं जूनियर्स को भी सिलेक्ट किया जा रहा है एन ऑल तो इसको रिफॉर्म करने के लिए इस बॉडी को रिवैम्प करने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी जनरली बैंक्स वोट ब्यूरो की क्या फंक्शंस होती है क्या मैंडेट है इसके एक बार देख लेते हैं पहला है नेशनल बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज की बोर्ड डायरेक्टर्स को होल टाइम डायरेक्टर्स चेयरमैन इनको को सिलेक्ट करना और फिर इनके अपॉइंटमेंट के लिए देना। इसके अलावा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सर्विस सर्विस टर्मिनेशन कन्फर्मेशन इन सबसे रिलेटेड जो रेकमेंडेशंस हैं इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना नेक्स्ट इन इंस्टीट्यूशंस की क्या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होनी चाहिए एट द लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट इससे रिलेटेड एडवाइस को देना टू सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना कि इन इंस्टीट्यूशंस में जो मेंबर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे किस तरीके का अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए इसके अलावा इन इंस्टीट्यूशंस में जो ऑफिसर्स हैं इनके परफॉर्मेंस क्या है इससे रिलेटेड एक डेटा बैंक को बिल्ड करना इनकी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होनी चाहिए क्या एथिक्स होना चाहिए इसका फॉर्मूलेशन और इन्फोर्समेंट किस तरीके से होना चाहिए इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना इंस्टीट्यूशंस में जो ऑफिसर्स हैं इनकी किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम होनी चाहिए इसका एडवाइस देना बैंक्स को मदद करना बिजनेस स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में इसके अलावा कैपिटल किस तरीके से रेस किया जाए बैंक का इसके लिए रिकमेंडेशंस देना इसके अलावा बैंक सपोर्ट ब्यूरोस हर तरीके का काम करती है जिसे गवर्नमेंट असाइन करती है आफ्टर कंसल्टिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया